राजसमंद के भीम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ग्रामीण ओलंपिक के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम लगेत खीड़ा की और तलाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। ओलंपिक में आज कबड्डी का चूंकि फाइनल मैच है, देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं ग्रामीण ओलंपिक। और इससे पहले पाली भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निम्बास में जाकर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया था। और अभी इस वक्त तस्वीरें हैं राजसमंद के भीम से सीधी, जहां सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में मंच पर आसीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही राज्य मंत्री सुभाष गर्ग उनके साथ में है, मंत्री उदयलाल आंजना समेत कई जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं। कबड्डी का फाइनल मैच है आज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं। और इससे पहले देखिए पाली के निम्बास जब पहुंचे थे वहां पर भी अवलोकन उन्होंने किया। और ये देखिए विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत सत्कार इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। 3 दिवसीय जोधपुर के दौरे पर इससे पहले थे, लेकिन वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के पश्चात पाली के निम्बास पहुंचे और वहां से अब पहुंचे हैं राजसमंद के भीम में। सीधी तस्वीरें हैं ये गांव का ओलंपिक, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक परिकल्पना रही है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण ओलंपिक का ये दिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थानी साफा पहनाकर इस कार्यक्रम में उनका स्वागत सत्कार। और साथ ही अब जो आगंतुक हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारी बारी से कर रहे हैं। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं राजसमंद के भीम में, यहां पर आज फाइनल मैच है जिसका अवलोकन वो करेंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए। और क्या फिलहाल और जानकारी अभी? बिल्कुल देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो राजसमंद पंचायत समिति, जो राजसमंद जिला है वहाँ की भीम पंचायत समिति के लगेत खेड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो है उसका अवलोकन करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, इसके बाद सीधे पास में जो एक धार्मिक स्थल है वहां पर उन्होंने दर्शन किए और फिर सीधे मंच पर आए हैं। इस दौरान उदयलाल आंजना यहाँ मौजूद है, मगरा विकास बोर्ड के जो चेयरमैन है लक्ष्मण सिंह और बाकी के यहाँ के जो विधायक हैं सुदर्शन सिंह रावत और तमाम जो यहाँ के सीनियर कांग्रेस के जो लीडर है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी तादाद में जो खेल खिलाड़ी हैं ग्रामीण अंचलों के वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है ये जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको संबोधित भी करेंगे और उससे पहले जो एक फाइनल मुकाबला होगा उस मुकाबले का भी अवलोकन करेंगे। जी रवि, देखिए इससे पहले जब पाली के निवास पहुंचे थे वहां पर भी उन्होंने एक अवलोकन किया, क्योंकि परिकल्पना इस टूर्नामेंट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही जो है ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लेकर आने की, वो अब साकार होती हुई नजर आ रही है धरातल पर। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो ये इनिशिएटिव है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इससे जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं जिनको की मंच की हमेशा तलाश रहती है वो मंच मिलेगा, ऐसी प्रतिभाओं को तराशा जाएगा, वो आगे आएंगी ताकि उनको देश के और दुनिया के लेवल पर स्तर पर लाया जा सके, उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। और जाहिर सी बात है जब से ये ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है तभी से पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में और खासकर ग्रामीण इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर उम्र हर वर्ग के लोगों में एक बड़ा उत्साह देखने को मिला है, चाहे स्कूली बच्चे हों चाहे दूसरे अन्य जो ग्रामीण अंचल के बाशिंदे हैं, वो तमाम लोग जो है इसमें पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इस तरह की जगहों पर जाकर इन ग्रामीण इलाकों में जाकर इन ओलंपिक जो ग्रामीण ओलंपिक के जो खेल कूद प्रतियोगिता है उनका खुद अवलोकन कर रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा नए उत्साह का संचार जो है वो प्रतिभाओं में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ऐसी खेल प्रतिभाएं जिनको कि अब तक मंच नहीं मिला था, जो अपने गांव तक कहानी तक सीमित थी, वो उनकी जो चमक है उसको पूरा प्रदेश और पूरा देश देख पाएगा, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशिएट है। और इसको जब राज्य सरकार ने लिया है एक बाकायदा पूरा एक बेहतर संयोजन के साथ में इसको किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुख्यमंत्री जो है सीएम गहलोत वो इसका खुद
बेहद करीब होकर बेहद क्लोजली इसका जो है कहें तो एक तरीके से इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इसका जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी जय बिल्कुल रवि। और देखिए ये जो जेस्चर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि ना सिर्फ एक परिकल्पना उन्होंने देखी, एक सपना देखा, लेकिन जब वो धरातल पर उतर रही है तो हर गांव इलाके में जाकर के खुद उसका अवलोकन कर रहे हैं, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उत्साह वर्धन भी उन लोगों का करता है जो कि इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और जो प्रतिभागी इसमें हैं। मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल देखिए जयती, आज सीएम यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ की खेल प्रतिभाओं में खासा उत्साह है, वो अभी इंटरेक्ट भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछेंगे भी कि किस तरीके का फीडबैक आ रहा है और किस तरीके से खुशी और उल्लास जो है वो ग्रामीण अंचल के लोगों में देखा जा रहा है। और एक खेलकूद एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि आपसी नजदीकी, आपसी सौहार्द जो है वो बढ़ाया जाता है। खेलकूद की भावना जो है वो न केवल स्वास्थ्य के स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी लोगों में मजबूती देती है और यही वजह रही है कि इस तरह के ओलंपिक की शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो राज्य सरकार ने उठाया है और इसके दूरगामी परिणाम जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल रवि, और आप ठीक कह रहे हैं, दूरगामी परिणाम देखने को मिले इसीलिए ये कदम भी उठाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही कहना है खेल प्रतिभाएं जब आगे बढ़ेंगी तो धन की कमी है उसके अभाव में कभी भी ये नहीं होगा कि अपने सपनों को छोड़ दिया जाए, और उसी की अब ये तस्वीरें हैं। रवि एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, देखिए शुरुआत जब इन ओलंपिक खेलों की हुई इसमें कई ऐसे रोचक प्रतिद्वंदी, कई बार क्योंकि देखिए आयु वर्ग नहीं है यहाँ पर कोई एक निश्चित कोई क्राइटेरिया इसके लिए सेट नहीं किया गया, कई ऐसे मुकाबले हुए जिसमें पिता पुत्र एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी बनते हुए नजर आए, और अब कई ऐसे और भी टीम्स रही जहाँ पर भी हर वर्ग के लोग इसको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एक बार आपका सवाल रवि, मेरा कहना ये है कि इस बार जो ये खेल हो रहे हैं, जो टूर्नामेंट है, इसमें कई प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो कि टीम्स के तरीके से बहुत रोचक, क्योंकि आयु वर्ग यहाँ पर सेट नहीं है, पिता पुत्र एक दूसरे के सामने खेलते हुए नजर आए, और कई और भी क्योंकि देखिए छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए जयती, जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को डिजाइन किया गया है ग्रामीण ओलंपिक खेल को, जिसमें कि उम्र का कोई बंधन नहीं है, धर्म का कोई बंधन नहीं है, वर्ग का कोई बंधन नहीं है, और खेलकूद जो है वो इसी तरह की चीज है, इसी तरह का एक मौका होता है जिसमें कि किसी तरह की कोई बंदिशें, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ना देश की, ना प्रदेश की, ना आयु की, ना और किसी चीज की। और इस तरह की जब ये आयोजन होते हैं तो जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि खुद सीएम गहलोत भी कहते हैं कि देश में, प्रदेश में आपसी भाईचारा जो है, आपसी सौहार्द जो है वो कायम होना बहुत जरूरी है किसी भी स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए, और यही वजह है कि इस तरह के आयोजन जो है वो स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर देंगे और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और आपसी प्रेम जो है वो जरूर जागृत करेंगे, चाहे वो पारिवारिक लोग साथ खेल रहे हो, चाहे गांव के लोग साथ खेल रहे हो, चाहे समाज के लोग साथ खेल रहे हो। दूसरी बड़ी बात ये कि महिलाओं में मंशा यही है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की, आगे